राहुल गांधी को देख के आपको क्या याद आता है? मैं बता दूं, सम्मान करते हैं हम सब राहुल जी का नेता के तौर पर, उनको पार्लियामेंट में सुनते हैं, सड़कों पर सुनते हैं, देश के बड़े नेता हैं, इससे ज्यादा मैं क्या कहूंगा, बाकी तो जनता जानती है। नहीं, आप मुस्करा रहे हैं, जब जनता जानती है बोल रही है तो मुस्करा रहे हैं। का नाम किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ले आए तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। आज पॉलिटिशियंस की बात करते हैं, तो राहुल गांधी को देख के आपको क्या याद आता है? देखिए, राजनीति में व्यक्तित्व सबका अपना अपना होता है। ये बड़े लाइटर नोट पे है, मैं बता दूं, सम्मान करते हैं हम सब राहुल जी का नेता के तौर पर। नहीं, देखिए, राहुल जी से मैं पार्लियामेंट में जब भी मिला, बहुत बार मिलने का अवसर मिला, लेकिन चलते चलते ही, उनको पार्लियामेंट में सुनते हैं, सड़कों पर सुनते हैं, इतना ही है। एक देश के बड़े नेता हैं, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगा, बाकी तो जनता जानती है। नहीं, आप मुस्करा रहे हैं, जब जनता जानती है बोल रही है तो मुस्करा रहे हैं, तो इसका भी राज थोड़ा शेयर कर रहे हैं। जिसका नाम किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ले आए तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। मतलब अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, चलिए आगे चलता हूँ मैं। अखिलेश यादव, अखिलेश जी के साथ हम एक साथ लोकसभा में थे, हम लोग इकट्ठे गए थे एक बार टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती होने के लिए, मैं हो गया। अखिलेश जी नहीं हुए? नहीं, मैं हो गया, मेरे पास था कि मैंने फौज में योगदान देना है, मैं हो गया। ठीक है, हो गया, हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है। अब एक शख्स और जो पार्लियामेंट में ना हो तो मजा ना आए लोगों को, वो है असदुद्दीन ओवैसी, उनके लिए क्या कहेंगे? मैंने देखिए लालू प्रसाद यादव जी के साथ भी लोकसभा बिताई है। हाँ, बिल्कुल याद है मुझे, 2009 मुझे आज भी याद है, पवन बंसल जी रेल मंत्री थे और मैं सरकार को घेर रहा था विपक्ष की तरफ से बोलते हुए, तो मैंने लालू जी के समय का कुछ कहा कि माया जाल था, आंकड़े ऐसे थे वैसे थे, तो लालू जी सेंट्रल हॉल से उठ के आगे जैसे वो चलते थे और आके कहते, हे युवा नेता क्या कह रहे हो, कौन सा माया जाल है। तो उस समय के नेताओं में मुझे लगता है मैंने जहां से राजनीति की शुरुआत की, 14वीं लोकसभा से, अब तो 17वीं चौथी बार का MP हो गया हूँ, बहुत बदलाव देखा है। वो जनरेशन बहुत अलग थी, दीपदास गुप्ता जी हो या प्रणब दा हो, बहुत अलग अलग, अडवाणी जी हो, विजय कुमार मल्होत्रा जी, सुषमा जी, अरुण जी, इन सब के साथ मुझे रहने का अवसर मिला, तो बहुत कुछ सीखने का भी अवसर मिला। एक तरह से उस समय अध्ययन करके बहुत ज़्यादा लोग आते थे, स्पीचेस में कंटेंट बहुत अच्छा होता था। आज उतने नेता शायद पार्लियामेंट में नज़र नहीं आते, जो उस समय के भाषणों को अगर आप कंपैरिजन आज करके देखोगे तो आज कहीं थोड़ी कमी खलती है कि शायद वो गहराई जो भाषण में उस समय होती थी वो आज नज़र नहीं आती है, तो बहुत कम लोगों में नज़र आती है। हाँ, अब एक गाना राहुल गांधी के लिए बनता है। किसके लिए? राहुल गांधी के लिए कुछ गाइए ना। राहुल जी के लिए मैं गाना गाऊं? मैं आपको एक हिंट दे सकता हूँ, आमिर खान की मूवी का गाना है, आमिर खान ने बनाई थी मूवी। आप ही कह दीजिए, हिंट क्यों देते हैं। मैं पत्रकार हूँ ना, फिर मेरा नाम आ जाएगा लिस्ट में। देखिए, वो आजकल 14 एंकर, वो आजकल छुट्टी मनाने गए, बहुत व्यस्त रहे। अच्छा। बहुत चुनाव में बहुत बिजी थे, थोड़ा छुट्टी मनाने गए, थोड़ा छुट्टी दीजिए। अच्छा, ये जानकारी है आपको कि छुट्टी मनाने गए हैं? अब कौन से देश गए ये भी बता दीजिए, ये भी बता होगा आपको। चलिए कहीं आगे बढ़ते हैं दीपक जी, देश का समय राहुल जी पे क्यों खराब कर रहे हैं अब। ठीक है।